वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन, और हम लोगों ने कंटिन्यू करना है अपना, ख़त्म करना चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में अब तक आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ आ गए होंगे। मैं फिर रिकॉल कर रहा हूं हमने क्या क्या किया था। हम लोग कर चुके हैं उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल पेमेंट एंड लोन अकाउंट, कैपिटल एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ साथ गुडविल की ट्रीटमेंट, सब हम कर चुके हैं। अब क्या बचा है, एक क्वेश्चन कराना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपको पता है कौन सा क्वेश्चन है। एक बार उसको रीड आउट दोबारा कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर जल्दी जल्दी करेंगे। जिसके पास ये बुक है वो ठीक है, मैं बुक का नाम नहीं बताऊंगा। जिसके पास ये क्वेश्चन है बुक से देख ले, नहीं है तो स्क्रीन पे तो आ ही चुका है, स्नैपशॉट ले ले उसका। क्वेश्चन लिखता है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। ऑन 31 मार्च 2015 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म स्टूड एज। अब हमें बैलेंस शीट में गिवन है क्रेडिटर्स, कैपिटल अकाउंट, कैश, डेटर्स, स्टॉक, बिल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पुराना प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस गिवन है। बी रिटायर्ड, तीन पार्टनर हैं ए बी सी। आपको याद होगा एडमिशन के टाइम मैंने आपको सिखाया था कि सारे अकाउंट इकट्ठे बना लो। कौन कौन से? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश अकाउंट, ये सब इकट्ठे बना लो। दो पेज लेना आमने सामने के रजिस्टर के अंदर, एक लेफ्ट का एक साइड राइट का। सारे फॉर्मेट बनाने के बाद ही काम शुरू करना। बी रिटायर्ड ऑन द अबव मेंशन डेट, बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 7,000। तो आप क्या करना, जो क्वेश्चन है ना बिल्डिंग, उसके आगे टिक लगा लेना, टिक। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसके आगे भी टिक लगा लो, डेटर्स के आगे। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 18,000। और एडजस्टमेंट वगैरह का मतलब वही है कि उसकी ट्रीटमेंट ए सी टू बी करनी है हमको। 3,000 टू बी पेड टू बी इमीजिएटली एंड बैलेंस इन दिस कैपिटल अकाउंट टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल पेमेंट का केस 3 है ये। तो आपने सॉल्यूशन कैसे करना है, सबसे पहले बैलेंस शीट आइटम्स, सबसे पहले आइटम है क्रेडिटर्स, उठा के डाल दो इसको, क्रेडिटर्स को, सॉरी लाइबिलिटी में डालना है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में डाल दीजिए उठा के 13,590। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको मेन कॉलम में, ऐसे मेन कॉलम बनाते हैं इसका। कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीनों का बैलेंस यहाँ पे लिख दीजिए, 15,000, 10,000, 10,000। थोड़ा छोटा बोर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही ये ख़त्म होगा हमारा एक कोविड वगैरह का तो बड़ा बोर्ड आ जाएगा, तब तक काम चलते रहना चाहिए। जूम आपको शायद पूरा दिख रहा होगा। कैश अकाउंट का बैलेंस, हमारे पास जो बैलेंस है कैश का वो है 4,700। डेटर्स, इस पर एडजस्टमेंट है तो डेटर्स लिख के आप क्या करें, डेटर्स अमाउंट लिखिए इसका 6,000, और इसको इनर कॉलम में रख दीजिए, इस पर एडजस्टमेंट बाद में हम करेंगे। स्टॉक 11,690, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा मेन कॉलम में लिख दीजिए 11,690। बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है 23,000 है बिल्डिंग, तो आप लिखिए बिल्डिंग 23,000, और इस पर एडजस्टमेंट के लिए जगह छोड़ दीजिए, बाद में करेंगे एडजस्टमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पुराना प्रॉफिट है तो इन तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल प्रॉफिट है हमारा 1200 का, और रेशियो है 3:2:1, 3, 2, 5 और 1, 6, तो 6 × 1200, 2 × 3 = 600, 400 और 200। आई होप मैंने सही लिखा है, आंसर में देख लूँ, क्योंकि मेरे तो आंसर भी है इसका, बिल्कुल ठीक है, 600, 400, 200। अब इसमें क्या बचा, यहाँ पे काम खत्म हो गया हमारी बैलेंस शीट का। इतना करने के बाद कुछ नंबर तो मिल गए अपने को, अब आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 7,000, तो बिल्डिंग को ऐड कीजिए 7,000, हो गया 30,000। ये हुआ हमें प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है क्रेडिट या फिर डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट। सो बाय बिल्डिंग 7,000। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। जितने भी डेटर्स हैं उस पर प्रोविजन लगाइए 5% का, तो 5×6=30, 300 रुपये का प्रोविजन हो गया, तो 5,700 बच गया, तो प्रोविजन हो गया हमारे लिए लॉस 300 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400, 306, 35, 6, 5, डाउटफुल डेट्स, डेटर्स कितने हैं, थोड़ी कैलकुलेशन गलत हो गई, डेटर्स हमारे 8,000 है, सॉरी 8,000 पे होगा 400, ठीक है, अमाउंट मैंने 6,000 पढ़ लिया गलती से,
गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 18,000। तो जितने भी गुडविल है उस गुडविल में से आप निकालिए बी का शेयर जिसकी डेथ हो गई और जिसको रिटायरमेंट हो गई, जिसको चला गया जो छोड़ के हमें, तो उसका शेयर है हमारा 2/6। तो 2/6 किसका निकालेंगे, 18,000 का। 18,000 इंटू 2/6 तो आगे 6,000। इस 6,000 को बांट दीजिए ए और सी में गेनिंग रेशो में, क्योंकि और कुछ गिवन नहीं है, न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो हमारी जो बची हुई रेशो है दैट इज 3:1 को ही हम गेनिंग रेशो मान लेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, 15, 24, 15, 43, 45 और तो बाय ए बाय सी, बी में आ जाएगा 4500, 1500। अब यहाँ पे 2B 4500 और सी में 1500, ये साथ साथ करना है आपने। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आता है इसका, 3000 टू बी पेड टू बी इमीडिएटली, वो बाद में करेंगे अब हम। अब क्वेश्चन में क्या बचा, क्वेश्चन में करने के लिए कुछ नहीं बचा, सिर्फ टोटलिंग करनी है। टोटलिंग किसकी करनी है, सबसे पहले टोटलिंग करनी है हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट की। रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हमारे पास 7,000 का प्रॉफिट, 400 का लॉस, तो जो प्रॉफिट बचा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी तीनों में बटेगा प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट आएगा हमारा 6,600 का, तो ये 6,600 जो हम बांटेंगे तो वो आएगा हमारे पास 3,300, 2,200, 1,100। 3,300, 2,200, 1,100 तो यहाँ पे डाल दीजिए ये बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 3,300, 2,200, 1,100। अब कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, अब अकाउंट क्लोज करना है कैपिटल अकाउंट का। तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस किस किस के निकाले जाएंगे, ए के बी के सी तीनों के निकालने हैं, लेकिन बी को इमीडिएटली हम कुछ कैश देने वाले हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि बी को 3,000 रुपये कैश दे दीजिए इमीडिएटली, तो हमने उसको बाय बी 3,000 रुपये का कैश इमीडिएटली दे दिया उसको हम, ठीक है। अब जो बचेगा वो कहाँ जाएगा, उसके लोन अकाउंट में, हम देखते हैं कितना आएगा। तो जब टैली करेंगे इसके अकाउंट को तो 3,300 और 15,000 इन सबको ऐड करके आएगा 18,300। तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, 18,300 माइनस 5,100, तो हमारे पास आंसर आएगा 13,200। ये ए की कैपिटल, बी के अंदर टोटल करके माइनस 3,000 माइनस 400 करके जो भी आएगा वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, दैट इज कमिंग टू बी 14,800। ये देखना बी लोन, जूम करके दिख रहा होगा आपको ढंग से, 14,800 ये टैली आपसे करेंगे हम। और तीसरे का 1,100 + 10,000 = 11,100 - 1,700, तो ये आएगा 9,400, ये आएगा कैपिटल के लिए, ठीक है। टोटलिंग आप कर सकते हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा। तो अब कैपिटल अकाउंट चले जाएगा ऐसे, कैपिटल सिर्फ ए और सी की बची, ए की कितनी बची 13,200 और सी की कितनी बची 9,400, दोनों को ऐड करो कैपिटल, और बी का पैसा हम ट्रांसफर करेंगे लोन अकाउंट के अंदर। बी का लोन कितना है 14,800, और कैश का जो बचेगा बैलेंस, कई बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं, 1,700 का बैलेंस बचा कैश अकाउंट में, ये डाल दीजिए यहाँ पे कैश 1,700। अब हमारी बैलेंस शीट टैली हो जानी चाहिए, तो टोटल हमारी कैपिटल हो गई हमारे पास 13,200 + 9,400 = 22,600। अब टोटलिंग करके मुझे बता दीजिएगा टैली हुआ या नहीं हुआ, कोई गड़बड़ हो तो मुझे बता देना। कैलकुलेशन में कभी कभी ऐसा होता है कि जब इंसान पढ़ा रहा होता है, वो भी वन वे लेक्चर, वो भी रिकॉर्डिंग के टाइम, तो कुछ गलती कभी हो सकती है कैलकुलेशन में, बट प्लीज़ हैव अ फेथ कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कॉन्सेप्चुअली आपको गलत ना पढ़ाऊँ। तो आज तक की करीबन 300-350 वीडियो के अंदर दो ऐसी वीडियो ऐसी गई हैं जिसमें कुछ गलती हो गई है, तो मेरे कुछ बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो उसके अंदर वो गलती ढूंढते रहते हैं कि पेंटिंग के अंदर जो बहुत सुंदर सी कलाकारी की गई उसमें ये गलती है। तो प्लीज़ गलती को इग्नोर करो, कैलकुलेशन गलतियाँ हो जाती हैं, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, कैलकुलेटर नहीं हूँ,
कभी कभी क्योंकि बोर्ड एकदम पास में होता है तो गलती कर सकता हूँ मैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस कीजिए, और इसके अलावा जितने बुक में क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करते रहिए, दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव। ओके, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी है, उसी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया, कैसे करना है जल्दी से जल्दी। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही कराना था मुझे आपको कि रिटायरमेंट का एक क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्योंकि हर चैप्टर के बाद कोशिश है कि एक बड़ा सा क्वेश्चन करा दिया जाए। एडमिशन का करा दिया था, रिटायरमेंट का आज हो गया, नेक्स्ट क्लास में डेथ वगैरह आएगा, डिसोल्यूशन आएगा, उसका भी क्वेश्चंस होते रहेंगे। ऑलराइट, तो आज की क्लास ख़त्म। जाने से पहले फीस दे दो यार, नीचे सब्सक्राइब का बटन है और बेल आइकन दबा दो, और दोस्तों को शेयर कर दो। जितना आप शेयर करोगे दुनिया के अंदर मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और पढ़ाता रहूँगा, जितना मुझे आता है, जब तक मुझे आता है। अगर आप 11th में हैं तो 11th की पढ़ाई के बाद आपको 12th का सिलेबस भी मिलेगा, इस पर बीकॉम का मिलेगा, बीबीए का मिलेगा, सीएससीएस का मिल जाएगा। अगर आप 12th कर चुके हैं तो भी आपको आगे बीकॉम के सारे कोर्सेज इस पर मिलते रहेंगे। ये चैनल आपके लिए ही है, लगातार कंटेंट आते रहेंगे, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, बेल आइकन दबा के। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।